हरित क्रांति के दौरान उत्पादन के लिहाज से और उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में गेहूं से पिछड़ने के बाद जौ एक बार फिर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस विविधतापूर्ण मोटे अनाज में किसानों की दिलचस्पी फिर बढ़ रही है। इसकी वजह है शराब उद्योग, मिष्ठान और दवा उद्योग की ओर से जौ की मांग में भारी बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल जौ की ये मांग यूं ही नहीं है। जौ में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जौ में घुलनशील और अघुलनशील विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। आज बड़े पैमाने पर जौ का इस्तेमाल मल्टीग्रेन आटा और ब्रेड, बच्चों के खाद्य पदार्थों, कोकोआ माल्ट जैसे पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। जैसे कि किसानों ने जौ का छोड़ दिया है लगाना और उससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ये क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू जौ की बहुत अधिक है। आजकल ओट खाना शुरू किया है, लेकिन ओट के कंपैरिजन में जई जो बोलते हैं उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनके कंपैरिजन में आप जौ की बात करें तो जौ आपका घरेलू फसल है और ओट जो है बाहर से आता है, तो जो सस्ता पड़ेगा अच्छा रहेगा। इसकी क्वालिटी भी ओट से अच्छी रहती है हर चीज़ में, खाने में भी। तो जौ का आप प्रयोग करें और जौ लगाएं और जौ खाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि जौ की नई किस्म DWRB 160 इजाद की है? DWRB 160 जौ प्रजाति से न केवल भरपूर पैदावार मिलेगी बल्कि सामान्य जौ से कहीं ज्यादा माल्ट से भरपूर और हेल्दी है, और माल्ट से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे एनर्जी ड्रिंक और बियर के लिए ये किस्म बड़ी उपयोगी साबित होगी। इतने गुणों वाली जौ का इजाद हरियाणा करनाल के भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान ने किया है। प्रजाति है DWRB 160, नई प्रजाति माल्ट के लिए जो बनी है। इसका मोटा दाना है, माल्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मोटा दाना इसका 90% से ज्यादा 92% तक 90 है जिसकी माल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इस प्रजाति की एक खूबी है। और आज तक जितनी प्रजाति आई है सबसे ज्यादा पैदावार भी यही सबसे अधिक देती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की माने तो आम जौ की तुलना में इस जौ के किस्म का दाना 90% माल्ट बनाने के लिए उपयोगी रहेगा। किस्मों का 50% तक दाना माल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ इसके आर्थिक पहलू पर नजर डालें तो कम सिंचाई और कम उर्वरकों में तैयार होने वाली ये जौ किस्म है जो सामान्य जौ की अपेक्षा अधिक लाभ देने वाली है। के लिए वैरायटी है, टूरो वैरायटी है जो कि इंडस्ट्री यूज करती है माल्ट बनाने के लिए, और माल्टिंग से बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स में भी यूज होती है। इवन इन दोनों प्रजाति के बीज को हम मल्टीग्रेन आटा, दलिया, बिस्किट्स कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि DWRB 160 किस्म के जौ की फसल में पीला रतुआ रोग से लड़ने की क्षमता होती है, और इसकी फसल तेज हवा के झोंके से भी गिरती नहीं है, और यही नहीं सामान्य जौ की अपेक्षा अच्छी पैदावार मिलेगी। बीमारी भी नहीं लगती है, खाद पानी भी इस प्रजाति में जैसे कम पड़ता है, तो सभी तरह से बहुत ही फायदेमंद है लोगों को जौ के जौ लगाने के लिए इस प्रजाति को लगाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिलीज कमेटी से इस किस्म को इसी महीने रिलीज होने की उम्मीद है। इसके बाद इसका बीज किसानों के लिए उपलब्ध होगा। इस किस्म की उपज 28 क्विंटल तक प्रति एकड़, बालियां लंबी और दाने मोटे, बाली में 32 से 36 दाने। इसके अलावा इस जौ की बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे प्रोटीन की मात्रा 10 से 12%, माल्ट का सार 78%, पौधे की लंबाई अन्य किस्मों से कम है, और इस नई किस्म की जौ की बुआई किसान 5 से लेकर 20 नवंबर तक कर सकते हैं। करनाल में है, करनाल से निकली है वैरायटीज, करनाल में मिलेंगी ये दोनों वैरायटीज जो मैंने बताई हैं, DWRB 137 160, करनाल में मिलेंगी, उपयोग कर सकते हैं। उसका दाना बड़ा मोटा है, प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, उसको पूरे भारतवर्ष में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी, बंगाल, बिहार, कहीं भी लगा सकते हो, हर जगह अच्छी पैदावार देती है ये।
भारत में जौ की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है, लेकिन किसानों को इस फसल से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब इस नई प्रजाति की जौ की खेती करके किसान अब बंपर मुनाफा कमाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।